हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो है वो एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीजन, उसके ऊपर लेके आए हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर हाइड्रोक्सीजन है वो टैबलेट फॉर्म के अंदर, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर, सिरप फॉर्म के अंदर और ड्रॉप्स फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीजन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो हाइड्रोक्सीजन टैबलेट है वो 25 mg और 10 mg की कंपोजिशन के अंदर मार्केट के अंदर टैबलेट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग ब्रांड के नाम से ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, जैसे कि एटारेक्स 10 और 25, हाइकोप, हाइरेक्स, एल्टेम इत्यादि। इसके अलावा जेनिक जो मेडिसिन है वो आपको इसके साल्ट के नाम से ही मिल जाएगी। दोस्तों, जो हाइड्रोक्सीजन है वो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिक दवा होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हिस्टामिन। तो जो हाइड्रोक्सीजन है उसको ब्लॉक कर देता है और जिसके कारण बॉडी के अंदर एलर्जीज, रैशेस वगैरह जो होती है उसको ये रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, जो एटारेक्स है, किसी तरह की कोई भी एलर्जी कंडीशन हो, जैसे कि इचिंग, स्वेलिंग, रैशेस, इसका कोई भी कारण हो, जैसे कि डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरोसिस के कारण अगर खारिश हो, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो आपको, अगर स्किन एलर्जी हो, वहाँ पे खारिश है, फुलफुले बन चुके हैं, तो आप एटारेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इसे अनएक्जिटी, घबराहट को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। सर्जरी से पहले कई पेशेंट को घबराहट होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद अगर किसी पेशेंट को घबराहट होती है तो डॉक्टर हाइड्रोक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अनास्थीशिया के साथ भी इसको दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, जो एटारेक्स है, हाइड्रोक्सीजन है, वो एक एंटी एलर्जिक दवा है जो जिसके लेने से स्लीप आती है, नींद आती, टायर्डनेस होती है, थकावट सी महसूस होती है, ब्लड विज़न हो जाती है, कईयों के पेट की समस्याएं देखने को आती हैं, जैसे कि तेजाब बन जाना। इसके अलावा दोस्तों, अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किस कंडीशन में हमें जो हाइड्रोक्सीजन है वो नहीं लेना है या इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का बीपी लो रहता है तो आपने ध्यान देना है, उसको आपने हाइड्रोक्सीजन है उसका प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन करता है तो भी उसको आप हाइड्रोक्सीजन कृपया मत दीजिए। और साथ में अगर किसी ने गाड़ी ड्राइव करनी है या किसी तरह की मशीनरी का प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हाइड्रोक्सीजन लेने से नींद आती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो वो भी हाइड्रोक्सीजन का प्रयोग ना करें। अगर किसी आवश्यकता के अनुसार उनको लेना पड़ता है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।